बैठ गई यार। हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा एक ट्रिप था गाइज, वो जा चुका है यहाँ से, हल्द्वानी से निकल चुका है। उसकी मैंने शूट भी किया था सुबह सुबह, और अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ आज। उसके बाद हम लोग जा रहे चितई गोलजी मंदिर और कैशी धाम, और क्योंकि भाई नीरज भाई को भी छोड़ना है अभी, उसके भी थोड़ा सा उसका काम था, तो काम उसका कैंसिल हो चुका है, उसका कुछ था उसका तो वो कैंसिल हो चुका। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से कैशी धाम, और हमारे भाई यहाँ पे पहुंचे हैं दिल्ली से, पूरा रेडी हो चुके हैं, उसके बाद निकल रहे हैं यहाँ से घर से, और उसके बाद दिखाता हूँ गाइस आपको हल्द्वानी का मौसम। सो हेलो जी, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं हल्द्वानी से, मतलब रूम से निकल चुके हैं, और उसके बाद चेक दिस आउट गाइस मौसम, और छोड़ने जा रहे हैं नीरज भाई को, खुद भी तो आ रहा हूं। हम जा रहे हैं चितई गोलजू, कैशी धाम और चितई गोलजू, भाई है साथ में। सोजी पहुंच चुके हैं हम लोग देवल छोड़, उसके बाद निकल रहे हैं यहाँ से सीधे कैशी धाम को निकलेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद जाएंगे हम लोग चितई गोलजू। सो हेलो जी, फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग नैनीताल रोड में, और आज जाम चेक करो भाई, पूरी रोड में गाड़ियां हैं। आज है संडे, तो इसलिए थोड़ा सा जाम है। संडे इज द फंडे। मौसम चेक करो भाई, बाढ़ का देखो क्या मस्त आ रहा है। से निकल गए हैं, और देखते हैं आज क्या भीड़ रहती है, भीड़ तो होगी बहुत भयंकर वाली। वहाँ अच्छी वाले का हम लोगों को लग रहा है कि शाम को हम लोग दर्शन करेंगे, अभी सीधे जाएंगे हम लोग, सीधे जाएंगे अभी हम लोग सीधे बोल चुके आ चुके हैं पहाड़ों में, और आते ही ये रिस्पॉन्स मिला है, देखो पता नहीं यार क्या हो गया, आगे कुछ दिक्कत आ गई शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। शुरुआत भी नहीं हो रखी है हमारी, और ये रिस्पांस देखो बहुत ही खराब रिस्पांस मिला है अभी तो। जी फंस चुके हैं हम लोग जाम में, अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कोई सीन का कोई पता नहीं है, एक बार पूछते हैं यार गाइस क्या दिक्कत है एक्चुअल में। तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई कह रहा था कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया, पता नहीं क्या हुआ, बता रहे कि डंपर कुछ फंस गया है यार, तो अभी तो खुल गया है बता रहे हैं, लंबा जाम है, 5-10 मिनट में शायद खुल जाएगा, तो इससे से चलेंगे। तो गाइस कुछ लोगों के चक्कर में हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, मेरे को तो बढ़िया जगह मिल गई थी, वहाँ से मैंने गाड़ी भगाई और मैंने खड़ी कर दी इस वाली जगह में, इस वाली लाइन में, और ये है भाई इस बंदे ने, आ देखो इस वाले बंदे ने अपनी गाड़ी फंसा रखी यहाँ पे, हम तो यहाँ अपनी जगह जो मिली हम लोग वहाँ पे, हाँ यार हम लोग तो बढ़िया, हम लोग ने इस साइड अपनी गाड़ी लगा रखी है, और बंदे ने वहाँ देखे डीएल नंबर, और ये अचार भी है, खुल गया उसके बाद निकलते हैं यार, बहुत लेट हो गए। और मौसम चेक करो गाइस यहाँ पे गर्म हो रहा है यार, वैसे गर्म हो रहा है, वैसे बहुत ही बढ़िया प्यारा मौसम लग रहा है। ऊपर ट्रैक पता नहीं क्या हो गया, ट्रैक नीचे घुस गया, पता नहीं क्या हुआ, ऊपर जाके दिखाऊंगा आपको। ये देखो इस चोटी के नीचे गड़े हम, ये हमारी गाड़ी है यहाँ पे, सोचो हम कितना खतरा ले रहे हैं आपके लिए। जो बोलना है ये भाई ने हमारा ट्रैफिक हटाने का काम किया है, और हम इतने ट्रैफिक से सबसे आगे निकले हैं, बहुत पार करी है। ये देखो गाइस कितना लंबा जाम था, इसीलिए कहते हैं इस मौसम में कैसी धाम बताओ दिल्ली वालों, खासतौर पर पहाड़ सबके लिए नहीं है, इसे कहते हैं नौला। थोड़े से जाम का असर भाई देखो, कम से कम वहाँ से हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर आ गए, और 1 किलोमीटर ऊपर तक पूरा जाम है देखो, और पता नहीं कितना ऊपर तक जाम होगा। वहाँ पे एक ट्रक वाले ने दीवार में भिड़ा रखी है, पता नहीं वो स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से पूरा ये जाम लग रहा है। और क्योंकि आज है संडे, तो संडे की वजह से सारे लोग घूमने घूमने के लिए आ रहे होंगे, सैटरडे संडे ऐसे छुट्टी भी रहती, तो इसलिए यहाँ पे जाम मिल रहा है आपको। और अभी हम लोग जाना है यहाँ से, बहुत दूर जाना है हम लोगों को, फिर आना भी है, तो अभी से ही हाल है यहाँ पे, और ऊपर तक और ऊपर भी है भाई, ये देखो ये तो यहाँ पे है बस, पूरा मेन रोड है भाई, ये पूरा धारचूला तक जोड़ने वाला रोड है, और देखो ये पता नहीं कहाँ तक जाम है, पता समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो भाई व्यू, अब चेक करो, और बंदा पास नहीं दे रहा हमें यार, ले लेंगे इसके हम, सुन ले भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है, बारिश में घूमने का मजा ही कुछ और है। नाएगा तो आप लोग ऐसे घूमने भी जा सकते हैं, देखो
ये देखो टेढ़ा बैठ के मौज कर दी दोनों, देख लो इन्होंने मौज कर दी। देख लो भाई ये हमारे हैवी ड्राइवर, ये हैवी पैसेंजर आ गए, हैवी ड्राइवर। और नजारा देख लो भाई, धुंध है पूरी पूरी, मौज ही मौज है, मौज ही मौज। ये मौज पूरी देख लो, दिल्ली वालों ने हैंग आशीष भाई आशीष दल्ला वो देखता नहीं ऐसा ही चलेगा बहुत लड़ाई चल रही है आजकल आशीष से बात नहीं कर रहा, 6 महीने तक बात नहीं करेगा वो हमसे, तब तो गले पकड़ लो आशीष दल्ला, 6 महीने तक नाराज हो। सो जी पहुंच चुके हैं हम लोग भीमताल, और आपने लोगों ने बीच में देखा होगा शायद मेरे ब्लॉग में देखा होगा काफी पहले, तो यहाँ पे पानी पूरा सूख गया था और यहाँ पे पानी का लेवल ऊपर आ चुका है, बड़ी खुशी हो रही है देख के। और उस दिन के बाद मैं अभी आ रहा हूँ ना, और ये देखो भाई पानी भर गया पूरा यहाँ, और मौसम एक नंबर है भाई, नीरज मिस करेगा यहाँ आने पे, मतलब ये वाला नीरज नहीं यार, नीरज वाला नहीं यार, अपना भाई एक नीरज को बुला, नीरज भाई तू बड़ा मिस करेगा वाला ट्रिप, पूरा देखना ब्लॉग तेरे को इसीलिए भेजूंगा यहाँ से। तो जी पहुंच गए हैं भवाली, देख लो भाई भवाली की मार्केट, और वो लोग निकल चुके हैं कैसी धाम दर्शन करके, और अभी हम लोग कैसी धाम रुकेंगे नहीं, सीधे वहीं जाएंगे उनको पकड़ना है, भाई को पहले छोड़ना है निकल जाएगा हमारे। और यहाँ पे जाम वगैरह मिला नहीं यार गाइस हम लोगों को ज्यादा, फिलहाल तो एक ही वही मिला हल्द्वानी में, नहीं तो अभी हम लोग उनको पकड़ लेते हैं। और गाइस जा रहे हैं मस्त इंजॉय करते करते, गाने सुनते सुनते, तो आपको लगा मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू आता है, तो इसलिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ एंजॉय करते करते जा रहे हैं। अभी हम लोग वहाँ मतलब भवाली से नीचे उतर गए हैं लोग, ये देखो भाई ये देखो, ये यहाँ से हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, यहाँ से उड़ सकते हैं ऐसे ऐसे सीधे 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 कैसे दाम करें। और अभी हम लोग रुके हैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश व्रेश होने के लिए, नीरज को ज्यादा ही मतलब नीरज बेचारा रोक नहीं पाया, उसको किडनी की बीमारी है, नीरज बेचारा रोक नहीं पाया, उसको थोड़ा सा किडनी की बीमारी है, इसलिए यहाँ पे भाई के लिए रोक दिया गाड़ी, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से गाइस, थोड़ी देर हम लोग वेट कर लिए यहाँ पे काफी, और उसके बाद निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, लोग जा रहे तो ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, देखो ये बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ये चेक करो भाई भाड़ू भाई, ये भाई मजा आ गया गाड़ी में, तो ये भी अचार है अभी पीछे भी निकल रहे हैं, ये वन सीटर तो हल्की सी लग रही है, वो बीच वाली लग रही है, और मैं आपको दिखा रहा स्क्रीन होती है आधे की हो भाई, इससे आगे जाए देख लो जाम पे जाम है आगे, एक बार वहाँ हल्द्वानी फंसे थे, एक बार दोबारा यहाँ फंस गए जाम में, देखो भाई जब हम पहुंचने वाले हैं कैसी धाम के बिल्कुल नियर है, ये देखो कितना जाम है, चलो जी पहुंच गए कैसी धाम पार्किंग पर, अभी नहीं आना है मैं, यहाँ देखो अभी पूरा जाम, यहाँ आपको पार्किंग मिल जाएगी इस साइड को, और देखो भाई मोस्टली गाड़ी सब यहीं रुक रही है, चेक करो जाम चेक करो, और ये चेक करो कितनी गाड़ियाँ आ गई यहाँ पे, अभी रुके कोई फायदा नहीं है यहाँ पे फिलहाल तो, क्योंकि अभी इतना लंबा जाम है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है शाम को बड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे, और चेक करो अभी यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आ गई यहाँ पे, और हम लोग गाड़ी बहुत तगड़ी निकाल दी अभी हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लग गया है जाम तगड़ा वाला ऊपर, कम से कम नहीं तो हम लोग वहाँ पे फंस जाते हैं आधा घंटा हम लोग फंस जाते हैं वहाँ पे। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं कैसी धाम, पहुंच चुके हैं फाइनली कैसी धाम पे, और यहाँ पे देखो अभी पूरा जाम वगैरह है, और ये यहाँ पर रहा भाई मंदिर, मंदिर के अंदर शूट वगैरह होता नहीं है, तो भाई दूर से देख लो भाई दर्शन कर लो आज, इसमें बाबा की मूर्ति वाले में देख लो भाई पूरी भीड़ भीड़ है यहाँ पे, और वो देखो पुल में भी इतने लोग है, और अंदर देखो ये देखो अंदर है, और अभी इतने लोग बाहर घूम रहे हैं अभी तो फिलहाल, अंदर इतनी भीड़ है अभी फिलहाल देख लो भाई, अलग ही आस्था है गाइस यहाँ पे, मेरे लिए भी है मैं भी मानता हूँ, एक अलग पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ से, पता नहीं क्यों मैंने अजमा रखा है, और मैंने बहुत बार बोला भी होगा वीडियो में, और लोगों की यहाँ पे भीड़ है आस्था है तो यहाँ पे भीड़ है, नहीं तो लोग ऐसे नहीं आते हैं, लोग कहीं भी ऐसे नहीं आते हैं।
चेक करो भाई, सबके फोन अपने अपने निकल रहे हैं, सब अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं, मौत ले रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे। जय नीम करोली बाबा की जय। हम भी तो फोन ही चला रहे हैं और अंग्रेज भी आए हुए, ये अंग्रेज भी आए हैं। और यहाँ वेदर बहुत बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पे गर्म होता भी। आज तो पागल वाली भीड़ है यहाँ पे, बंदा पागल हो जाएगा इस भीड़ में, इतनी भीड़ है। और आज लगेगा हल्द्वानी में बहुत ही तगड़ा वाला जाम, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ देख के। कितने लोग हैं, इतने लोग जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे भाई। फाइनली जाम से हमें मुक्ति मिल गई है, फिर लग गया यार कहने तक कि फिर लग गया जाम है। हेलो जी, चेक करो यहाँ मौसम और रोड, और पहुँच चुके हैं हम लोग अल्मोड़ा वाली रोड में। और यहाँ पे भाई एक नंबर रोड है भाई, पहाड़ों की जो ये नदी के किनारे किनारे रोड है, और एक नंबर रोड है यहाँ पे, पूरी चौड़ी रोड। बीच में तो खराब थी वाली रोड, अभी फिलहाल ठीक हो रही है। ये देखो भाई नदी, देखो इसमें तो हम डूब सकते हो, आ जाओ डूब जाओ भाई। और रोड देखो भाई, और पीछे चमन को ज्यादा चुला भाई, फुल किस्मत खराब। फिर एक कांड हो गया, आगे पता नहीं क्या कांड हो गया। ये इसके लिए तू गल ले जाना इसको, भाग लेके जाएगा ये, पूरी भाग भाग कर रहा है भाई। यहाँ पे एम्बुलेंस भी आ गई, पता नहीं कुछ हो गया तगड़ा वाला, कोई केमी बस पलटी है बता रहे हैं, देखते हैं वहाँ जाके। यहाँ पे एम्बुलेंस भी आ गई भाई, अबे तगड़ा वाला हादसा हो गया भाई अल्मोड़ा में, पूरी बस पलट गई भाई। यहाँ पे देखो वो बीचों बीच रोड में पलटी है, अब देखो ये देखो भाई, ये इसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी रुकी है यहाँ पे। और देखो भाई भीड़ पूरा जाम लग गया यहाँ पे, आधे घंटे का मुझे लग रहा है हमारे पाँच दस 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 गाड़ी ऊपर हुआ है, हम लोग पीछे पीछे थे। और यहाँ पर देखो भाई, अच्छा होगा इसके सामने गाड़ी नहीं आई, पूरी बीचों बीच पलटी है भाई। यहाँ लगी है ना, इस साइड भी लगी है गाड़ी यार, यहाँ पूरी लग गई है और यहाँ लगी है शायद इस साइड। ये देखो भाई बस गिरी तो नहीं तो नीचे जाती है, देखो इसमें भी इसमें लगी है ना टक्कर, किसी के बाथरूम में शायद ये, इसमें पूरी टक्कर लगी है अभी यहाँ पे। लेंटर किसका दिया यहाँ पे, कम से कम आधा एक घंटा मुझे लग रहा है यहीं पर जाम लग जाएगा आधे घंटे। ये देखो भाई, बट यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि किसी को चोट वगैरह लगी नहीं है, सब सेफ है यहाँ पे फिलहाल तो। अभी ये अल्मोड़ा में है, कमाने के पिन टूट गए बस के तो, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया भाई। और इसमें किसी मतलब ज़्यादा चोट वगैरह नहीं आई लोगों को, मतलब ज़्यादा थोड़ा बहुत चोट वोट आई है, कोई ठीक ठाक है सर। और पूरी बस यहाँ पे रोड में पलटी है, न यहाँ से स्कूटी जा सकती है ना बाइक जा सकती है। और भाई पूरा जाम हो गया पूरा जाम है। अब इसको उठाने के लिए क्रेन वगैरह चाहिए, नहीं तो वैसे उठेगी भी नहीं। ये देखो किसी को कुछ नहीं हुआ, हुआ तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, बट बच गया भाई यहाँ पे जो भी है। ये भाई जो ड्राइवर है ये वाला है बचा रही, बच गई भाई गाड़ी नीचे, नहीं तो नीचे सीधे नीचे में किसी में कोई किसी की हेल्प वगैरह नहीं करी जा सकती है, क्योंकि ऐसे बस पलटी है और यहाँ पर क्रेन या जेसीबी वगैरह से ही यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल तो यहाँ पर इतना जाम लग चुका है, यहाँ से न एक गाड़ी जाती है, स्कूटी भी नहीं निकलेगी भाई यहाँ पर, ऐसी गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पर, पूरा जाम हो गया सिस्टम जाम। यहाँ पर पूरी जनता को जो सब दिखाएगा यहाँ पर, और सारे लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, यहाँ पर सारे लोग तैयार हो चुके हैं बस को मतलब खिसकाने के लिए। देखते हैं सबकी ताकत और एकता में कितना बल है, एकता में कितना बल है वो देखेंगे आज। और अभी जस्ट यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, तो यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि इसको खिसकाने वाले, देखें क्या होता है इनसे, किससे क्या होता है। और देखो बॉडी बिल्डर आ जाओ भाई, आधे इधर आ जाओ, जो बच्चे हो मेरे पीछे आ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यार स्कूटी शुरू करो तुम। बोले साचे दरबार की जय, आओ आंसर आंसर आओ। तो ये अभी हेलमेट हेलमेट पहन के लोग यहाँ लगे हैं, और देखो क्या होता है। बहुत बड़े बहुत बड़े, वो पलटानी नहीं है, खिसक जाएगी भाई खिसक जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पे है कि बस को थोड़ा सा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे नेतागिरी झाड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ नेता बनने बहुत बड़े बड़े वीडियो के धमके दे रहे हैं हम लोगों को, और हम भी यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे इनकी। और उसके बाद आप लोग हम भी धमकी नहीं दे रहे, हम तो बनाते ही हैं ब्लॉग, मैं तो ब्लॉग बनाते ही हूँ, हम भी डाल देंगे मैं। और मतलब एक रास्ता बना रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पर लोग कोशिश भी नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नुकसान ऑलरेडी इतनी गाड़ी में नुकसान हो चुका है, और हम लोग खिसकाएंगे तो गाड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा गाइस, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया।
ज्ञान है लोगों का, ज्ञान भयंकर फालतू का ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, और कुछ है भी नहीं। जैसे अभी तक आई नहीं है और यहाँ पे भाई सब लोग परेशान है यहाँ पे, और हमारा बाउंसर बुलाया था यहाँ पे बस को खिसकाने के लिए, तो यहाँ पे बस खिसकी नहीं है अभी, जैसे बुला रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। आधा एक घंटा तो हो गया यहाँ पे, कुछ हुआ ही नहीं फिलहाल अभी, तो अभी कह रहे हैं कि यार जैसे वगैरह बुला रखे देखो क्या होता है, और लोग इतना वेट कर रहे हैं यहाँ पे, स्कूटी जाने की जगह भी नहीं है। आगे कर्मठ जुझारू नेताओं ने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जेसीबी बुला दी है यहाँ पे, और उसके बाद बस को यहाँ पे हटाने का कार्य शुरू हो गया है। यहाँ पे ये बस हटाने वाला है यहाँ पे, जेसीबी आज भी है, और मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट। आप ब्लॉगिंग नहीं, आज यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर बन चुका हूँ मैं। देखो भाई पूरी जनता परेशान है, जेसीबी खुदाई चल रही है यहाँ पे, और पूरी जनता यहाँ परेशान है, और मौज लेने के लिए सारे के सारे ऊपर आ गए हैं। यहाँ से वीडियो का एंगल बहुत बढ़िया बनेगा, इसलिए लोग ऊपर चढ़ चुके हैं यहाँ पे, और हमें जाना है चितई गोलजू, तो देखते हैं क्या होता है अभी थोड़ी देर में यहाँ से। शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ से हो जाएगी ठीक, अभी देखो डिसाइड कर रहे हैं नेताजी हमारे कि कहाँ को उसको बस को खिसकानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा इनको पॉकेट में बैठा दूँ। ये देखो भाई सबके कैमरे ऑन हो गए, कैमरा में फोकस करो, बहुत बढ़िया। और मुझे लग रहा है ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसमें छेद ना हो जाए, हाँ वो गेट से करो भले आप पीछे वाले से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फाइनली वो हमारे खिसकाने में करता नुकसान हो जाएगा, वो बंदा हमारे खिसकाने में करता नुकसान हो जाएगा, गाड़ी को तुम दोगे कह रहा था, और अब देखो कैसी किया भी तो वैसी है। तो भाई फाइनली यहाँ पे जाम खुल चुका है, और लोग भी यहाँ पे, तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग भी निकलते हैं गाइस। यहाँ पे कम से कम कार तो निकल जाएगी मोस्टली, और इसके बाद लगेगा जाम तो। अभी फिलहाल नीचे से निकालने आ जाता भाई आ जा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे जाम खुल चुका है, और उसके बाद हमारी गाड़ी नीचे रोड में खड़ी है, आप देखते हैं क्या होते हैं यहाँ से। तो देखो भीड़ लग चुकी है, इसके बाद लगेगा एक्चुअली जाम। तो देखो 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 भाई देखो ये देखो ये देखो फिलहाल तो यार बस हटा दी है यहाँ पे रोड से, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा जगह बन चुकी है गाड़ी आड़ी निकलने की। और जेसीबी वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को सल्यूट, यहाँ पे चलो कम से कम जगह बन गई और कुछ। और यहाँ पे राहत मिली भाई, कुछ ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलो भाई चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग इधर को आ जाओ, हट जा पीछे हट जा सब आओ। तो फिर से हटा रहे हैं इसको फिर हटा रहे हैं शायद, ऐसे काफी जगह तो है, और पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे इसको। और बहुत बहुत धन्यवाद जेसीबी वाले का यार, राहत आगे भाई राहत। तो गाड़ी गाड़ी निकलने का तो हो जाएगा, और उसके ऊपर से पहले सबसे पहले बाइक वगैरह का जो जाम होगा, पहले तो मुझे लग रहा है कि नीचे से गाड़ियाँ निकलेंगी, और उसके बाद देखते हैं भाई। हाँ जाम हो गया, तो फाइनली तो अभी जाम खुल चुका है यहाँ पर, गाड़ी यहाँ रोड से किनारे कर दी है, और यहाँ पर लोग अभी निकलने लग गए भाई, बाइक निकलने लगी। कम से कम आधा एक घंटा यहाँ पर पूरा जाम लगा, और हमारी गाड़ी भी खड़ी है नीचे एक जगह खड़ी करके आए हैं, और देखते हैं पहले कहाँ से गाड़ी ये लोग रिवील करते हैं। पहले तो सबसे पहले बाइक वगैरह को रिवील करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जाम तो बाइक वगैरह की वजह से लगता है। और ये चक्कर भाई बस के आगे खड़ी है अपनी गाड़ी, और हो गया भाई एक घंटे के बाद। तो फाइनली जाम तो खुल चुका है यहाँ पे, और अभी भी गाड़ियाँ शायद ये ऊपर से निकाल रहे सबसे पहले गाड़ियाँ, टायर ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जाम है मुझे लग रहा है। इसके बाद भी आधा घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि फिर बीच में बाइक वाले और कई महानुभाव ऐसे भी होते हैं कि यार उनको ज़्यादा जल्दी गाड़ी डालनी होती है, गाड़ी को बंद कर लेता हूँ गाड़ी में, भाई भाई बहुत गर्मी खतरनाक माहौल हो गया यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ अपनी बस पकड़ ली है, और यहाँ पे सब लोग यहाँ बैठे हैं, और कुछ लोग देखो भाई ये देखो वहाँ पे फोटो शूट वगैरह चल रहा है इनको यहाँ पे बड़े। और जस्ट अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और एक ब्लॉग वहाँ बनना है एक ब्लॉग वहाँ बनना है एक ब्लॉग यहाँ बनना है गाइस। चेक दिस आउट, नीरज भाई जैसा हो ब्लॉग की ऐसी तैसी, मुझे लग रहा है कि ब्लॉग की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। बहुत बढ़िया गाइस बहुत बढ़िया।
तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पे। हमें भी तो लो यार, हमारे ब्लॉग में हमें भी तो लो। कैसे इन लोगों को करते हैं यहाँ से विदा। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, मेरे भाई को छोड़ दिया है। ये लोग जाएंगे यहाँ से जागेश्वर धाम और हम लोग जाएंगे यहाँ से हल्द्वानी की ओर। जागेश्वर मंदिर नहीं चल रहे हैं क्या? चल नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। क्यों? हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी को। हमें तो कल ड्यूटी जा रहा ना, मुझे मन लग नहीं रहा है। वहाँ नहीं लग रहा है, मन लग गया। हाँ अरे यहाँ तक पहुँच चुके दादा। आया नहीं दादा, कह रहा है करण भाई हेलो। अंडा डोवाल जी वाले सब जगह पहुँच जाते। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और उसके बाद हम लोग निकलते हैं और आंटी लोगों को करते हैं अलविदा यहाँ से जाकर सर की ओर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे नीरज भाई हमारे ब्लॉग बनाते हैं, हमारा दूसरा वाला ब्लॉग। और यहाँ पे देखो भाई वेदर तो बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। और अरे हेलो हेलो, क्या हाल है? झूम कर लेता हमको हमारा एक ब्लॉग यहाँ बनना है, एक ब्लॉग यहाँ बनना है भाई। ये देखो आप आए, बाहर आई, गाड़ी आई, अब चलो चलो भाई चलो 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 ओके भाई भाई चलो 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 खड़ी जाएगी। 10 रुपए सवारी हल्की है भारी, 10 रुपए सवारी।